ठंड में गरीब का ट्रेन घर। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, दादी की कमरे से हीटर लाओ ना। हमारे पास स्वेटर भी नहीं है। दीदी को भी ठंड लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी ठंड लग रही है। इस कम्बल में ठंड रुक नहीं रही है। ठीक है मेरी बच्ची, तुम 2 मिनट रुको, मैं हीटर लेकर आती हूँ। गर्भवती सुरेखा अपने सास के कमरे से बंद हीटर उठाकर लाती है और अपनी बेटी के सामने चला देती है। इतने में खड़ोस सास गायत्री हीटर चलाता हुआ देख बहू के बाल खींचने लगती है। क्यों री, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे से हीटर उठाने की, वो भी मेरी बिना इजाजत के? इन लड़कियों को सिखा रही है? तेरे करीब बाप ने दहेज में भेजा था क्या? जी, मुझे दर्द हो रहा है माँ, मेरे बाल छोड़ दीजिए। दादी दादी, माँ माँ को छोड़ दीजिए, उनको दर्द हो रहा है। चुप कर नालायक, एक तो इस घर में दो दो लड़कियां हो गई हैं। सुरेखा की बच्ची, कल मुही नास पीटी, तूने अभी तक मुझे पोते की खुशखबरी नहीं दी। अगर इस बार भी तूने लड़की को जन्मा तो तेरा जो हाल मैं करूंगी तू सोच भी नहीं सकती है। बस करो गायत्री, वो तुम्हारी बहू है, गर्भवती है, ऐसे अत्याचार मत करो। तुम तो चुप करो, समझ आई बात? माँ जी, माँ जी, भगवान जो भी दे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी ये सब चीज मेरे हाथ में नहीं है। बकवास बंद कर, मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की तो तेरा हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। जा जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना, और ये हीटर वापस मेरे कमरे में रख। जी माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। गायत्री उसे झटक कर चली जाती है, जिससे वो बेड पर गिर जाती है। बेचारा रामप्रकाश पत्नी के दबाव में कुछ नहीं कह पाता था। वो चुपचाप गायत्री की सारी बात सुनता है और चला जाता है। मेरा बच्चा, 6ठा महीना चल रहा है मेरा, मुझे अपना ख्याल रखना होगा और अपनी दोनों बच्ची का भी। माँ चुप हो जाओ, रो नहीं, बहुत गंदी है दादी, हमें मारती रहती है और आपको भी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। सुरेखा हीटर वापस सास के कमरे में रख देती है। सास गायत्री सुरेखा और उसकी दोनों बेटियों के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आती थी। कोई काम न होने पर तीनों पर बरसती थी और कभी डंडे से मारती थी। गर्भवती में भी वो सुरेखा से बहुत काम करवाती है, उनकी ठंड के कपड़े नहीं देती है, बेटे से सारे पैसे वसूल लेती है। तभी एक दिन सुरेखा अपनी बेटियों के लिए कांपते हुए कहती है, माँ जी धीरे धीरे ठंड बहुत बढ़ रही है। माँ जी, बाहर ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं, एक बार को मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी बेटियां, उनसे ये सर्दी झेली नहीं जा रही है। आप थोड़े पैसे दे देती जिससे मैं उन दोनों के लिए स्वेटर गर्म कपड़े ला देती। नहीं लाकर दूंगी तेरी दोनों बेटियों को गर्म कपड़े, समझी? तू बीमार पड़ती है तो पड़े, मैं तो कहती हूँ मर जाए, कम से कम बोझ तो कम होगा। और हाँ, मेरे साथ हॉस्पिटल चल, तेरा स्वास्थ्य भी जांच करवानी है। पता नहीं पहले क्यों नहीं मैंने ध्यान दिया, लेकिन अब जांच करवा लेती हूँ। अचानक से माँ जी मेरी परवाह क्यों कर रही हैं? शायद पोते के मोह की वजह से। जी माँ जी, बेहू राशि बेटा, तुम दोनों यही रहना, मैं माँ जी के साथ अस्पताल से आती हूँ। गायत्री सुरेखा को झूठ बोलकर अस्पताल ले जाती है और होने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण करवाती है। 2 दिन बाद रिपोर्ट पता चलने पर गायत्री गुस्से से आंख बबूला हो जाती है, क्योंकि वो फिर से लड़की को जन्म देने वाली थी। ये बात जानकर सुरेखा को बहुत धक्का लगता है और पति कबीर को पता चलता है तो वो भी कहता है, क्या ये औरत फिर से एक लड़की को जन्म देने वाली है? मैं क्या लड़कियों को ही पालता रहूंगा? मुझे इस घर का वंश नहीं चलाना है क्या? तभी तो बेटा मैं तुझे समझा रही थी, इस बोझ को अब इस घर से निकाल दे, मैं इस घर में एक लड़की और नहीं आने दूंगी। माँ जी, कबीर जी ऐसा मत कीजिए, मैं इतनी ठंड में ऐसी हालत में अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कबीर जी आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, ऐसा मत कीजिए। प्यार व्यार गया तेल लेने, चलो निकलो इस घर से फौरन। माँ बेटे मिलकर गर्भवती सुरेखा और उसकी दोनों बेटियों को बर्फीली ठंड से घर में बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो बहुत कांपने लगती है और रोती है। माँ बहुत डर लग रही है माँ। हाँ माँ, हम कहाँ जाएंगे? दादी के साथ पापा भी बहुत गंदे हैं। पापा हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। पता नहीं बेटा, इस हाल में हमें कहाँ सर ढकने को छत मिलेगी।
तुम्हारे पापा दादी के बहकावे में आ गए हैं, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। तीनों माँ बेटी पर कोई शॉल स्वेटर नहीं था। कांपते कांपते वो रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, जहाँ खाली बैठने पर सफाई कर्मचारियों ने भगा देता है। फिर रेलवे स्टेशन की खाली जगह पर एक खाली ट्रेन का डिब्बा था, जिसे देख सुरेखा उसके पास आती है। वो अपनी बेटी के साथ वहाँ बैठ जाती है। इतने में पीहू के सर पर हाथ रखने पर उसे पता चलता है कि उसे तेज बुखार है। हे भगवान, पीहू को बुखार आ गया और राशि को भूख लगी है, मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। सुरेखा ऐसे हाल में सबके सामने हाथ जोड़कर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती है, मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुनता। वो खाने वाले ठेले पर काम मांगती है तो भी उसे कोई काम नहीं देता है। ऐसे में वो झोली फैलाकर रोते रोते गाना गाने लगती है। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसी हो हमारी करम, नीकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, रो बहन जी, मेरी मदद करो, कोई खाने के लिए पैसे दे दो। उसका गाना सुनकर आते जाते लोग उसकी झोली में कुछ पैसे डाल देते हैं। तभी एक बूढ़ा कहता है, बेटी तुम गर्भवती के समय में यहाँ पर क्यों हो? तुम्हारा पति नहीं है और ठीक ठाक हो तो गाना गा क्यों गा रही हो? कुछ काम कर लो। मेरी मजबूरी है बाबा जी, गर्भवती को कोई काम नहीं दे रहा, मेरी बेटी भूखी और बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तुम्हारे इस संघर्ष में भगवान करे तुम्हें सफलता मिले। ये लो, इससे तुम अपने बच्चों को खाना खिला दो और कोई काम की शुरुआत कर लो, ताकि ऐसे न रहना पड़े। आपका शुक्रिया बाबा जी। फिर सुरेखा उस पैसे से पास की दुकान से दवाई और खाने का सामान ले लेती है और ट्रेन घर में चूल्हा बनाकर पत्थर से आग जलाकर अपनी बेटियों को खाना खिलाती है और दवाई भी देती है, जिससे पीहू का बुखार उतर जाता है। और बचे हुए पैसों से सुरेखा चाय समोसे का सामान खरीद लेती है, जिससे ट्रेन घर में बनाकर वो रेलवे स्टेशन पर बेचने जाती है। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय समोसे ले लो, ₹10 के। सुनो जरा, मुझे चाय समोसा देना, इस सर्दी में चाय समोसे की बात ही अलग है। ये लीजिए। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे चाय समोसे बनाती हो और ऐसे समय में काम कर रही हो, ऐसा करो ठेला ले लो। जी। इस तरह सर्दी में सुरेखा संघर्ष से चाय समोसा रोज बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचती है, जिससे उसका थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। और वो अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिला देती है, जिससे उनकी ठंड से राहत होती है, और थोड़े खाने पीने का सामान भी अपनी ट्रेन घर में भर लेती है। 2 महीने बीत जाते हैं, वो अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसको झूला झुलाने के लिए ट्रेन घर में अपनी दूसरी साड़ी से झूला बना देती है, जिसमें उसकी बेटी झूलती रहती थी। एक दिन, माँ ये ट्रेन घर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत शांति है, वरना दादी तो हमें मारती थी। हाँ बेटा। अच्छा, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचने जा रही हूँ, तुम दोनों अपनी बहन का ख्याल रखना, ठंड लगे तो ये शॉल उड़ा देना, और कटोरी में दूध भी है, ठीक है? जी माँ, आप निश्चिंत रहिए। सुरेखा अपने बच्चों को छोड़कर रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचने चली जाती है। अब उस पर एक छोटा सा चाय समोसे का स्टॉल था, वहीं दूसरी ओर एक कार एक्सीडेंट में कबीर के पांव में चोट आती है, जिस बात के लिए गायत्री अपना सिर पीटती है। कल मुंह है कहीं के, इतनी चोट लगा ली, अब कमा कर कौन देगा मुझे? वैसे भी घर का काम मुझे करना पड़ रहा है, इसका मुआवजा नहीं मिला। चल चल दे मुझे। माँ मैं अपाहिज हो गया और आपको पैसे चाहिए? आप मुझसे प्यार नहीं करती, पैसों से करती है ना, ये लीजिए पैसे। बिल्कुल सही समझा तूने, मैं सिर्फ पैसों से प्यार करती हूँ। कबीर व्हील चेयर से कमरे में जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों की फोटो देखकर रोने लगता है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं अपनी बीवी बच्चों को अपने पास वापस लेकर आऊंगा। कुछ दिन गुजरते हैं, गायत्री अपाहिज बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहां उसकी बहू थी। वो दोनों राम प्रकाश को लेने आए थे, वो बेटे के नाम जमीन जो करवाने गया था। इतने में कबीर को सुरेखा दिखाई देती है, वो व्हील चेयर से उतर कर गले लगाने की कोशिश करता है। इतने में सुरेखा उसे संभाल लेती है। अजी आपकी हालत कैसे हुई? मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है सुरेखा, मुझे माफ कर दो,
हमारी बेटी कहाँ है? बड़ी मुश्किल हुई होगी तुम्हें इस ठंड में, माफ कर दो मुझे, कहाँ है मेरी बच्चियाँ? जी बच्ची ट्रेन घर में है। इतने में ट्रेन से राम प्रकाश उतरता है, वहीं गायत्री भी थी। बहू मुझे माफ कर दे, आज तक मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अब तेरी सास को इस ठंड में घर से बेघर कर दूंगा। मैंने जो प्रॉपर्टी तेरे नाम कराई है, कबीर तू बहू के साथ वहां रहने चला जा। गायत्री ने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। नहीं पापा, माँ को कुछ मत कहो, वो माँ है, हम ऐसे ही कहीं रह लेंगे। देख लो, इतने पर भी तुम्हारा बेटा तुम्हारा पक्ष ले रहा है। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ करो, मैंने सबको बहुत दुखी किया है, लेकिन अब बहू घर वापस आ जा मेरी तीनों पोतियों के साथ। गायत्री के आंसू देख सुरेखा अपनी सास को गले से लगा लेती है। इसके बाद वो सब एक साथ घर लौट आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, मुसीबत का पहाड़ कितना भी टूट जाए, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। ठंड में गरीब सास की पांच बहुओं का एक कंबल। कितनी सर्दी हो रही है। बहुओं, तुम पांचों ही पेट से हो और ऐसी हालत में तो ठंड और भी ज्यादा लगती है। मेरी मानो तो तुम पांचों ही कंबल ओढ़कर लेट जाओ, घर के काम मैं देख लूंगी, न जाने मेरे लाल कब वापस आएंगे। जैसे ही दूसरे शहर की बर्फबारी कम हो जाएगी, हम सभी के पति वापस आ जाएंगे। आप ज्यादा उनकी चिंता मत करो माँ। कैसे चिंता ना करूं, यहाँ घर में सर्दी से तुम पांचों की हालत खराब है, वहाँ दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से मेरे बेटे दूसरे शहर जाकर फंस गए हैं, और तुम कहती हो कि मैं चिंता ना करूं। हाँ माँ जी, मोहिनी जेठानी जी तो बस सभी को सीख ही देती रहती हैं। अभी मैं कंबल लेकर बैठ गई थी तो ये मुझे भी अपना भाषण सुना रही थी। ओहो कंबल कंबल, अरे कभी सोचा है कि इस एक कंबल ने हमारे बीच कितनी फूट पैदा कर दी है। तभी मोहिनी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उन्हें अंदर कमरे से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। अरे अब ये कैसी आवाजें आ रही हैं? सभी जल्दी से भागते हुए कमरे की तरफ गए। वहां पहुंचकर आशा ने देखा कि उसकी दो बहुएं जानवर की तरह कंबल को खींच रही थी। अरे अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो, ज्योति और आंचल, कंबल फट जाएगा, इसे ऐसे मत खींचो। देखिए ना माँ जी, मेरा सर दर्द कर रहा है और साथ ही मुझे सर्दी भी लग रही है, लेकिन ये है कि मुझे ये कंबल लेने ही नहीं दे रही। माँ जी मैं भी गर्भवती हूँ और आप जानती हो मुझे इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन मेरी मतलबी जेठानी को सिर्फ अपना दर्द दिखाई दे रहा है। आज मैं इन्हें ये कंबल नहीं दूंगी, इस कंबल में सिर्फ अब मैं ही बैठूंगी। ओहो हो, तुम्हारी इस रोज की कंबल की लड़ाई से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर ये बर्फबारी ना होती तो इसकी वजह से मेरे बच्चे वहां दूसरे शहर में ना फंसते, तो ऐसी कोई भी नौबत ना आती। हमारे घर में खूब कंबल रजाइयां होती, लेकिन अब अगर तुम्हारे पति मजबूरी में यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो क्या तुम सभी कुछ दिन प्यार से मिल बांट कर गुजारा नहीं कर सकती हो? लाओ दिखाओ इस कंबल को मुझे दो, और रात होने से पहले कोई भी इस कंबल को हाथ नहीं लगाएगा। आशा कंबल को लेकर चली गई। पांचों बहुएं ठंड में पूरा दिन यूं ही ठिठोरती रही, लेकिन ये सब लड़ाइयों से बेहतर था, और इसी तरह से रात हो गई। आ जाओ बहुओं, आज ठंड बहुत ज्यादा है तो आज सभी सवेरे से कंबल में घुस जाओ। बिल्कुल सासू माँ। ये लीजिए, मैंने अभी सभी के लिए लाल चाय बना दी है, इसे पीते हुए कंबल में बातें करेंगे। अरे वाह, पांचों प्रेग्नेंट बहुएं अपनी सास के इर्द गिर्द कंबल में बैठ गई और लाल चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करने लगी। चलो अब बहुत देर हो गई है बातें करते करते, अब तुम सभी भी सोने को लेट जाओ, मैं भी सो रही हूँ। आशा अपनी बहुओं के साथ कंबल में लेट गई। वहीं तीन बहुएं उसके सीधे हाथ की तरफ थी और दो उल्टे की तरफ। बीच में सोने वाली बहुएं तो आराम से सो रही थी, लेकिन कोने वाली बहुओं को कंबल बहुत ही कम मिल रहा था। अरे मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है, मेरे पास कितना कम कंबल है, अब कुछ गर्माई मिलेगी। अरे ये अचानक से मुझे इतनी सर्दी क्यों लगने लगी, उठकर देखती हूँ। ओह अच्छा, तो मेरी प्यारी देवरानी ने अपने नीचे इतना सारा कंबल दबाया हुआ है, अभी खींचती हूँ। हिमांशी ने अपनी तरफ को कंबल खींचा, जिसकी वजह से गौरी की आंख खुल गई। क्या कर रही हो जेठानी जी, क्या सारा कंबल आप ही ओढ़ लोगी?
सारा कंबल तुम अपने नीचे दबाए हुए पड़ी हो और मुझसे बोल रही हो। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह वाह। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल। अच्छा तो चलो मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी को सच करती हूँ। हिमांशी ने पूरा कंबल अपनी तरफ खींच लिया और इस खींचा तानी और चिकचिक की वजह से बाकी लोगों की भी आंख खुल गई। अरे क्या है, कौन उधम मचा रहा है? देखा गौरी, तुम्हारी वजह से सभी की नींद खराब हो गई। मेरी नहीं, आपकी वजह से। ओहो, ये क्या तुम दोनों ने ही चिकचिक बाजी लगा रखी है। ये बताओ कि तुम दोनों इतनी रात में लड़ क्यों रही हो? माजी, कंबल। ओह, तो फिर से ये कंबल ही मेरे घर की लड़ाई की जड़ बन रहा है। इस कंबल को तो रुको, मैं अभी जलाकर राख कर देती हूँ। कम से कम इस रोज की लड़ाई से तो छुटकारा मिल जाएगा। नहीं सासू माँ, ऐसा मत बोलिए, ये कंबल ही हमारी ठंड का अकेला साथी है। तुम दोनों ने बेवजह सी बात पर हम सभी की नींद का कचरा कर दिया। देखो बहुओं, मैं जानती हूँ कि 5 लोगों के सोने के हिसाब से ये कंबल छोटा है, लेकिन जरा सब्र करो, हम लोग नया कंबल भी ले आएंगे। न जाने कब वो दिन आएगा। इस गरीबी की वजह से हमें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। ऐसे में नए कंबल के तो ख्वाब भी हमारे लिए गुनाह जैसे हैं। ऐसा मत बोल बहू, वैसे बोल तो तू सही ही रही है। हमारे तो घर में चाय भी लाल बनती है। रोजाना तुम्हारी गर्भवती हालत में तुम्हारी खिलाई पिलाई के लिए तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। न जाने ये नया कंबल कैसे आएगा। सासू माँ, आप इतनी रात में ये सब बातें सोचकर टेंशन मत कीजिए। और आप दोनों, आप भी क्या बच्चों की तरह लड़ रही हो? अच्छा, आप किनारे की तरफ नहीं थी ना, इसलिए आपको हमारा बर्ताव बच्चों जैसा लग रहा है। चलो चलो, अब सभी चुप करो। तुम 5 इस कंबल के अंदर सो जाओ, मैं इससे बाहर सो जाऊंगी। लेकिन आप कहाँ पर सोगी माँ जी? मैं ये ठंडे चादर ओढ़कर सो जाऊंगी। अब मैं तुम्हारी ऐसी कंडीशन में ही तुम्हें कुछ तो दे नहीं पा रही हूँ, तो मैं ये छोटा सा त्याग तो कर ही सकती हूँ। तुम 5 आराम से सो जाओ, मैं चादर के अंदर सो जाऊंगी। आशा बुढ़ापे की हालत में भी चादर ओढ़कर लेट गई। आशा की 5 बहुएं आदत से बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। अपनी सास को ऐसे कंबल से बाहर लेटा देखकर एक भी बहू को अच्छा नहीं लगा और वो सभी आशा के पास आकर खड़ी हो गई। क्या है, मुझे घेर कर क्यों खड़ी हो गई हो? माँ, हमें आपके बिना सोने में तो नींद भी नहीं आएगी। आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत होइए। तो फिर मैं क्या करूं? तुम लोग ही मुझे बताओ, तुम 5 इस कंबल के अंदर आते ही बिल्कुल छोटी बच्चियों क्यों बन जाती हो? तुम सब कुछ अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी न जाने कंबल का नाम सुनते ही तुम तीनों इतना बुरा बर्ताव, लड़ाई झगड़े क्यों शुरू कर देती हो? तुम 5 जानती हो कि हमारे घर में ये तंगी सिर्फ तुम्हारे पतियों की गैर मौजूदगी की वजह से हो रही है। अभी तो हमारे घर में ढंग से खाने पीने को भी नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में तुम एक दूसरे का साथ देने की बजाय छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ रही हो। जरा सोचो तो सही कि इस एक कंबल ने तुम सभी के बीच में कितनी फूट, कितनी नफरत पैदा कर दी है। अपनी सास की बात सुनकर 5 बहुओं की नजरें शर्म से नीचे झुक गईं। हमें माफ कर दो माँ, सर्दी हमारे शरीर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसी वजह से हम इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे। हाँ सासू माँ, जो मौसम कभी हमारे लिए सुहाना होता था, आज वही हमारे पतियों के दूर होने की वजह से हमारे ऊपर अभिशाप हो गया है। और पहली बार हमने इतनी सर्दी को महसूस किया है, इसलिए हम अपना दिमाग खो बैठे थे। लेकिन हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सभी अब बहुत मिलजुल कर रहेंगे। जी माँ, अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। अब आप भी प्लीज वापस आ जाइए, ऐसी ठंडी चादर के अंदर सोने से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी समझाई हुई बातें समझ आ गई। अब आगे से कभी भी लड़ाई मत करना, हालातों को समझकर उनमें गुजारा कर लेना। अपनी सास की बात पर 5 बहुओं ने अपनी गर्दन हिला दी। अब उन 5 को सब कुछ समझ आ चुका था और अब से उन्होंने फिर कभी कंबल वगैरह पर लड़ाई नहीं की। और कुछ दिनों बाद जब बर्फबारी कम हो गई तो आशा के बेटे भी शहर से लौट आए और उन्होंने अपने घर की सारी तंगी को दूर कर दिया और उसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगा।